हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पर्पल क्वीन। आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन ग्रेवी। प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल पर्पल क्वीन। फर्स्ट हम हमारे चिकन को मैरिनेट करेंगे, तो साल्ट, रेड चिल्ली पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, गरम मसाला, हल्दी पाउडर और 1 कप दही। मैंने यहाँ पर 500 ग्राम चिकन लिया है। इसमें हल्दी पाउडर, गरम मसाला, स्वाद अनुसार नमक, 2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर और जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टीस्पून, 1 कप दही। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। और 30 मिनट के लिए इसे साइड में रख दें मैरिनेट होने के लिए। अगर आपके पास फॉइल पेपर है तो इसे कवर कर रख दीजिएगा। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने 4 से 5 काजू लिए हुए हैं, सूखी लाल मिर्च। इसे अच्छे से भून लें और साइड में निकाल कर रख दें। एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डालें और हमारी बारीक कटी हुई प्याज को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लें। जब हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसे एक जार में ट्रांसफर कर लें और जो हमारे भुने हुए लाल मिर्च और काजू हैं इसे भी डालकर एक स्मूथ पेस्ट बना लें और इसे साइड में रख दें। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया है और जो हमारा मैरिनेटेड चिकन है इसमें डालकर अच्छे से फ्राई कर लूँगी मैं। अच्छे से फ्राई होने के बाद मैं इसमें धनिया पाउडर ऐड करूँगी 2 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 2 टीस्पून। अच्छे से मिक्स कर लें। अब हम इसमें हमारा जो पेस्ट है ऑनियंस का वो डालेंगे इसमें और अच्छे से ऑयल रिलीज होने तक इसे पका लेंगे। एक कप वाटर ऐड कीजिए और गार्निश के लिए थोड़ा कसूरी मेथी ऐड कीजिएगा और सर्व कीजिए। हमारी चिकन ग्रेवी बनकर तैयार है। पसंद आए तो कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। आप चिकन ग्रेवी को रोटी या चावल के साथ मज़े से खा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल पर्पल क्वीन।